नमस्कार, टीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कैबिनेट की बैठक में भाजपा सरकार ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। घोषणा पत्र के 3 महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में शाह सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 88 IAS सहित 19 जिलों के कलेक्टर बदले। और प्रशासनिक फेरबदल को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। कहा, कामकाज को बेहतर करने हुआ प्रशासनिक फेरबदल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए 3 महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलों में CGPSC द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच CBI को सौंपने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी। 2021 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो आज हमारी सरकार ने 2021 की PSC की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी लिंकिंग सहित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। हित में लिया है और यह भी मोदी की गारंटी में हमारा वादा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिक राशन कार्ड धारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का भी निर्णय लिया गया है। आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पहले ही किया है, आज मंत्रिपरिषद ने उसका अनुमोदन किया है कि हम अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को, जिनकी संख्या 67,92,153 और उन्हें आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सरकार ने 88 IAS अफसरों सहित 19 जिलों में कलेक्टर के प्रभार बदले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी तबादला सूची में 88 IAS अफसरों के साथ एक IPS अफसर को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने प्रदेश के 19 जिलों में नए कलेक्टर बिठाए हैं। वहीं मंत्रालय में हुए अहम फेरबदल में कई बड़े चेहरों को इधर से उधर किया गया है। गौरव सिंह को रायपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। जनसंपर्क विभाग की कमान IPS अधिकारी मयंक श्रीवास्तव को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कामकाज बेहतर ढंग से हो, इसके लिए प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यह सामान्य प्रक्रिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बेहतर ढंग से कामकाज हो, इसी सोच के तहत प्रशासन में बदलाव किया गया है। कुछ अफसरों को लूप लाइन में भेजे जाने संबंधी सवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लूप लाइन जैसी बात नहीं होती, हमारे विचार से हर काम महत्वपूर्ण है। प्रदेश में हो रहे आपराधिक घटनाओं के लिए एक अलग से टीम बनाई जाएगी जिसका निराकरण किया जाएगा और किसी भी प्रकार के अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, लूप लाइन कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से, तो जहाँ पर काम मिलेगा आदमी काम कर सकता है। आदमी को बोलने की जरूरत ना पड़े, उसका काम बोले, ऐसा होना चाहिए। सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई वाले सवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सूखे नशे के लिए अलग सेल बनाकर काम करेंगे। कोशिश यह होगी कि पूरी चेन को ध्वस्त किया जाए, पूरी ताकत से कार्रवाई की जाए, जड़ मूल से विषय को खत्म किया जाए। मैंने कहा कि सूखा नशा और इन चीजों के लिए अलग सेल बनाकर काम करेंगे जो डेडिकेटेड इसी काम के लिए होंगे और न सिर्फ उड़ीसा बल्कि अन्य स्थानों से भी ये परिवहन होता है, मध्य प्रदेश की तरफ से भी होता है। मैं तो कवर्धा का रहने वाला हूँ, चिल्फी एक ऐसा चेक पोस्ट है जहाँ हमेशा ये पकड़े जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं
वो उनको एक बार की ट्रिप का ही मालूम होता है मैक्सिमम, वो चैन नहीं जानते हैं पूरा, लेकिन कोशिश ये होगी कि उस पूरी चैन को ध्वस्त किया जाए, ताकत से कार्यवाही की जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर कई विभिन्न विषयों पर चर्चा की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि क्रिकेट में उनकी इतनी रुचि थी कि गांव में क्रिकेट खेलने लकड़ी से खुद बल्ला तैयार करते थे। जशपुर जिले के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हॉकी खेली जाती है। सौरव गांगुली ने बताया कि वे पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं, यहाँ नवा रायपुर का स्टेडियम बहुत अच्छा है, मुझे बताया गया कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं और सचिन तेंदुलकर भी यहाँ खेल चुके हैं। कैबिनेट की बैठक में सीजीपीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया गया है। बता दें कि सीजीपीएससी का परिणाम सामने आते ही घोटाले के आरोप लगने लगे थे। तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अधिकारियों के बेटे बेटियों और करीबी रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पदों पर नियुक्ति देने के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर पूर्व गृह मंत्री व भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा को लेकर भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा किया है। राज्य की प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में निष्पक्षता हो, विश्वसनीयता हो और पारदर्शिता हो। हमारे प्रदेश के मेहनत कश युवाओं की यह बहुप्रतीक्षित मांग आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरा किया है। आज प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट की फुल मीटिंग जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पूरी हुई, इसमें यह घोषणा की गई है कि पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की जाएगी। पीएससी घोटाला वो घोटाला जिसमें राज्य के युवाओं के सपनों को बेचा गया था, उनके भविष्य को नीलाम किया गया था, नौकरियां बेची गई थी, सीटें बेची गई थी। ऐसे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग जो युवाओं की थी, हमारे राज्य के युवाओं की, उसको प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप, इसमें मोदी जी ने स्वयं गारंटी दी थी, उसको आज पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने एक बार फिर लोगों को निराश किया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने जनता को एक बार फिर से निराश किया है। उम्मीद थी कि आज जनता के हित के लिए बड़ा फैसला लिया जाएगा, विशेष तौर पर प्रति क्विंटल 3100 रुपए व एक मुश्त भुगतान। बिजली बिल के बारे में मंत्रिमंडल द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया। भाजपा की विष्णुदेव सरकार के मंत्रिमंडल ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल के द्वारा आज जनता के हित में कुछ फैसला लिया जाएगा, विशेष तौर पे धान की कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल और एक मुश्त भुगतान के बारे में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा, महतारी बंधन के बारे में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में कुछ निर्णय लेगा, विशेष तौर पे बिजली बिल के बारे में इनका क्या फैसला है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में यह सब इन जनहित के विषयों में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सीजीपीएससी कि जांच जरूर उन्होंने सीबीआई से कराने की बात की है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये अपने कामों पर इनके ऊपर भरोसा नहीं है। पहले पुलिस से तो जांच करा के देख लीजिए कोई गड़बड़ी है। सिर्फ सीबीआई जांच का ये हवा खड़ा करना चाहते हैं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। बलौदा बाजार से कांग्रेस प्रत्याशी रहे शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि हम भाजपा से नहीं ईवीएम से हारे हैं। बलौदा बाजार से कांग्रेस प्रत्याशी रहे शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि हम भाजपा से नहीं ईवीएम मशीन से हारे हैं। जिस तरह से तिल्दा में स्ट्रांग रूम बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया गया, इससे स्पष्ट है कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की गई है। कि हम ये चुनाव भाजपा से नहीं हारे हैं, हम ये चुनाव ईवीएम से हारे हैं। जिस तरीके से तिल्दा में स्ट्रांग रूम बना के वहां तक कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रतिनिधियों को नहीं जाने दिया गया और जिस तरीके से वहां पर केंद्रीय बल लगे हुए थे और उस गाड़ी की जानकारी भी नहीं दी गई जिस गाड़ी से मशीनों को ले जाया गया, ये सारी बातों से स्पष्ट है
कि तिल्दा क्षेत्र के ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की गई है। हम ये चुनाव भाजपा से नहीं मशीन से हारे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।